आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन को अगले 30 दिनों के लिए, अगले एक महीने के लिए यहां पर जो है बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आज जारी किया गया सर्कुलर 30 मई 2020 का सर्कुलर देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पर पहले बताया गया है कि 17/5/2020 से इसे बढ़ाकर 31/5/2020 तक किया गया था और अब इसे 30/6/2020 यानी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी जो है ये गाइडलाइन है, काफ़ी राहतें इसमें भी दी गई है। पहले का जो लॉकडाउन थे उसमें बहुत सारी इस बार जो है छूट दी गई है। तो क्या कुछ नई गाइडलाइन, इस गाइडलाइन में क्या कुछ नया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लॉकडाउन 5.0 जो है किस तरह से होगा, ये जो है इसको सरल भाषा में हमने हमारे ब्लॉग employkhabar.com पर जो है लिख रखा है। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको जो है यहाँ लिख रखे हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों में यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो 30 जून तक अब जो है लॉकडाउन चालू रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट एरिया यानी कि कंटेनमेंट एरिया जहाँ पर कि कोरोना वायरस के मरीज या कोरोना पॉजिटिव जो है मरीज निकल रहे हैं वहीं पर जो है रहेंगे, या जहाँ से जो है मरीज निकले हैं और अभी वहाँ पर 14 दिनों के भीतर कोई नया केस नहीं आता है तो ऐसे एरिया में वहाँ से जो है छूट मिल जाएगी। तो गाइडलाइन में प्रमुख चीज़ें क्या है वो जो है यहाँ पर एक नज़र में देख लेते हैं। तो लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कुछ प्रमुख बातें कुछ इस तरह से है कि 8 जून से शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल सेवाएँ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। यानी कि कहने का मतलब 8 जून को फिर से दोबारा से कुछ गाइडलाइन इन विशेष चीज़ों के लिए, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और होटल सेवाओं के लिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गया जाएगा, जिसमें कि बताएगा क्या कुछ शर्तें यहां पर जो है रहेगी। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएँ, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थाएँ भी जो है खोले जाएंगे। रात में जो कर्फ्यू का नियम यहाँ पर पिछले लॉकडाउन 4.0 में लगाया गया था, जो कि शाम के 7 से सुबह के 7 के लिए बंद था, उसे जो है अब 2-2 घंटे जो है कम कर दिया गया है। अब यह रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए रात में कर्फ्यू लगा रहेगा। दिन में लोगों को आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। इन क्षेत्रों में जो भी नियम होंगे वो जिला प्रशासन तय करेंगे, यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी विशेष ज़िले में जहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया है, जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, वो ज़िले का प्रशासन, कलेक्ट्रेट वहाँ जो है निर्धारित करेगा कि वहाँ पे जो है किस तरह के नियम वहाँ पर लगाने हैं। इस तरह की गाइडलाइन यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से उनके लिए कर दी गई। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो बफर क्षेत्र है जहाँ संक्रमण के मामले आने की ज़्यादा संभावना है, ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर जो है काम करेंगे। बफर जोन में ज़रूरत के आधार पर जिला प्रशासन की भी यहाँ पर जो है पाबंदियाँ लगा सकता है। परिस्थितियों के अनुरूप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल्स, जिम्स, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर भी निर्णय लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक एकीकरण आदि के बारे में स्थिति देख कर निर्णय लिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थाएँ, कोचिंग संस्थाएँ आदि खोले जाने के निर्णय पर राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद 8 जून तक जो है इस पर फैसला लिया जाएगा, जैसे कि ऊपर के पॉइंट में हमने आपको बताया। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया है। राज्य से भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। कहीं जाने से पहले किसी को भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में यानी कि आपके जिला अधिकारी ने उस जिले में कुछ अलग से नियम लगाए हैं तो उसका पालन करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है, लेकिन
जो जिला अधिकारी है वह अपने जिले की कोरोना की स्थिति देखते हुए यदि कुछ अलग से नियम बनाता है तो उन नियमों का पालन आपको ज़रूर करना होगा। तो ये प्रमुख गाइडलाइन थी और इस गाइडलाइन को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हमने यहाँ पर जो है दे दिया है कि गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसे जो है आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इस गाइडलाइन का लिंक और इस पोस्ट का लिंक दोनों आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी से जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।